तो दोस्तों एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग एक डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा देख रहे हैं दोस्तों ये है वो डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अच्छा, मैं आप सभी लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर आप जो डीसी रेगुलेटेड सप्लाई सेल करते हो वेबसाइट पर उसका एक अनबॉक्सिंग दिखाओ। तो दोस्तों ये रहा उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में एंड डिफरेंट काम में इसका यूज़ करके भी आप लोगों को दिखा देंगे। दोस्तों तो पहले देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा आउटडेट होता है दोस्तों, कलर वेरी कर सकता है लाइक आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो इस सब में। एंड दोस्तों ये वाला जो रेगुलेटर सप्लाई है ये ज़्यादा हेवी भी नहीं है, आप दोस्तों इजीली इसको कैरी भी कर सकते हो। तो दोस्तों पहले तो देखिए इसके साथ एक डिस्प्ले भी आता है वोल्टेज एंड एम्पेयर का रीडिंग के लिए। एंड दोस्तों ये वाला जो डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई है दोस्तों 2 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक देने में सक्षम है। एंड दोस्तों करेंट है 2.5 एम्प्स तक। एंड दोस्तों इसमें वोल्टेज एंड एम्पेयर का डिस्प्ले भी है, आप जैसा एडजस्ट करेंगे वो डिस्प्ले पे आ जाएगा उसमें वोल्टेज। एंड जब आप इसको कहीं लोड पे यूज़ करेंगे तो दोस्तों एम्पेयर का भी डिस्प्ले इसमें एम्पेयर की दवा वो आ जाएगा। तो इसका कुछ कॉशन है दोस्तों कि वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो जो कॉशन लिखा हुआ है इधर पे। एंड दोस्तों इसको और कुछ डिटेल्स भी इस पर लिखा हुआ है। पहले तो देखिए ये जो पावर सप्लाई है मैक्सिमम 2.5 एम्प्स का करंट दे सकता है, तो इसको आप मैक्सिमम 555 का लोड पे यूज़ कर सकते हो, मगर 775 मोटर के लोड पे यूज़ नहीं करेगा। 775 मोटर आप टेस्ट कर सकते हो मगर उसका लोड करंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 6-7 एम्पीयर तक चला जाता है, तो वो वाला इससे आपका काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए इस पर इससे आप लोग देखिए क्या क्या काम कर सकते हो। इससे आप लोग बैटरी चार्जिंग कर सकते हो, कोई भी लाइक 12 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी, 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, कोई भी मोटर वगैरह चला सकते हो, फैन वैन में यूज़ कर सकते हो, LED वगैरह टेस्टिंग कर सकते हो, आपका सर्किट बोर्ड में जब जैसा वोल्टेज की ज़रूरत होगा वैसा टेस्ट कर सकते हो इजीली। इसमें से दोस्तों कोकोरा क्लिप अटैच हुआ है, तो आप इजीली किसी के साथ आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी मोटर वगैरह सब कुछ चेक कर पाओगे, बहुत ईजी होता है। जगह एडाप्टर में बहुत जो दिक्कत आता है वो नहीं होगा। इसमें दोस्तों वोल्टेज वेरी कर सकते हो, इसका मतलब आपका मोटर का स्पीड है वो भी आप वेरी कर सकते हो। एंड दोस्तों मैक्सिमम देखिए 30 वोल्ट एंड 2.5 एम्प का मतलब है मैक्सिमम दोस्तों ये आपका अराउंड 75 वाट तक देने में सक्षम है। अभी देखिए जैसे मैंने ऑन कर दिया ये दोस्तों वोल्टेज एंड करंट का रीडिंग इधर पे आ गया। दोस्तों अभी देखिए ये वाला जो डिजिटल डिस्प्ले है दोस्तों 4 वोल्ट के कम में काम नहीं करता, ठीक है। तो इसे दोस्तों आपको 4 वोल्ट के कम में रीडिंग आपको डिस्प्ले पे नहीं मिलेगा, मगर वो वोल्टेज आएगा आपका, मगर डिस्प्ले पे वो वाला वोल्टेज नहीं आएगा। 4 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक पूरा डिस्प्ले में आपको आ जाएगा दोस्तों। अब ये नॉब को जैसे ही आप रोटेट करेंगे वैसा आपका वोल्टेज जो है वो वैरी करेगा। एंड दोस्तों डेड लोड पे करंट पे दोस्तों समटाइम 0.22 ऐसे लिखा हुआ रहता है, मगर आप जब भी कोई लोड पे इसको काम करेंगे लाइक मोटर वगैरह LED वगैरह कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअल जो एम्प है वो दिख शो कर देगा इधर पे। तो दोस्तों मैं इस सप्लाई को डिफरेंट काम में यूज़ करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वाला सप्लाई डीसी सप्लाई परचेस करना हो तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाए, उधर पे मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। एंड दोस्तों इसका प्राइस दोस्तों वेरी करेगा, लाइक एक आता है 1 से लेकर 16 वोल्ट तक, एंड दोस्तों आर एक आता है 1 से लेकर 30 वोल्ट तक। एंड दोस्तों उसका आपका प्राइस वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू करंट। दोस्तों 1 एम्प का अलग होता है, 2 एम्प का अलग होता है, 2.5 एम का अलग होता है, ऐसे करंट वाइज वेरी करेगा। जो प्राइस लिस्ट होगा दोस्तों वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। अभी देखिए जैसे मिनिमम वोल्टेज देखिए अभी आ रहा है 1.3 से लेकर 2.5, मगर ये दोस्तों डिस्प्ले पे नहीं आएगा, मगर ये वोल्टेज दोस्तों एग्जिट करेगा ना, आप इजीली डायोड वगैरह चेक कर पाएंगे 3 वोल्ट लगाकर। आपका डिस्प्ले पे नहीं आएगा मगर आप चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए एक के बाद एक पूरा इसका जो है टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका जो पावर सप्लाई कैसा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटर को लेकर, ठीक है। हम लोग पहले देखिए 5 वोल्ट पे सेट कर दिया है पूरा रेगुलर सप्लाई को, ये दोस्तों छोटा वाला जो 5 वोल्ट का मोटर था, तो चलिए शुरू करते हैं। 1.62 एम्प्स दोस्तों 9 वोल्ट से चलाने से अच्छा है तो आप एक पावर सप्लाई से चले, इससे बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस मिलता है दोस्तों। तो चलिए अभी ये वाला देखिए थोड़ा वाला जो बड़ा साइज का जो मोटर है इसके लिए दोस्तों वोल्टेज भी हम लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइक अभी हम लोग शायद इसको टेस्ट करेंगे, अभी 9 वोल्ट पे इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस।
तो दोस्तों अगर आपको इस सप्लाई से बैटरी वगैरह को चार्ज देना होगा तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 12 वोल्ट का बैटरी ले रहे से बैटरी को चार्ज देना पड़ेगा तो आप 15 वोल्ट का इस्तेमाल कीजिए 15 वोल्ट का, एंड अगर 6 वोल्ट का बैटरी चार्ज देना पड़ेगा तो आप 9 वोल्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर लेड एसिड लिथियम आयन बैटरी को चार्ज देना होगा लाइक 3.7 वोल्ट का तो आप 4.2 वोल्ट का इस्तेमाल इधर पे कीजिए, देन सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। अभी देखिए ये वाला है 540 मोटो, थोड़ा अलग वर्सन है तो इसका हम लोग पहले टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए आपका उधर पे वोल्टेज भी आ गया, करेंट भी शो कर रहा है लाइक 0.4 एम्प्स तक इसका करेंट कंजम्पशन है, ठीक है। तो मतलब इजीली देखिए इसके मदद से आप करंट कंजम्पशन क्या होगा मल्टीमीटर के बिना ही आप लोग पूरा चेक कर पाएंगे, आपका मल्टीमीटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मल्टीमीटर से हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं वोल्टेज और करंट चेक करते हैं, वो ही आपको इधर पे डायरेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका 555 मोटर, दूसरा हम लोग 775 मोटर या उस जैसे बड़ा मोटर को टेस्ट तो कर पाएंगे, लोड पे भी चला पाएंगे मगर बहुत अच्छे से नहीं दोस्तों, छोटा मोटा ग्राइंडिंग वगैरह कर पाएंगे मगर हेवी ड्यूटी का जो काम होता है लाइक फैन में तो नहीं चलेगा, 775 का फैन में नहीं चलेगा या फिर कटिंग डीलिंग इन सब में नहीं चलेगा। इस सब के लिए आपको दोस्तों 24 वोल्ट 5 एम्प का अडैप्टर 120 वाट का लेना पड़ेगा दोस्तों, एंड दोस्तों मगर 555 कटिंग ग्राइंडिंग में या डीलिंग में ये आराम से काम कर जाएगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों 775 टेस्ट तो हो रहा है आपका इजीली मगर वो प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि देखिए एलईडी वगैरह इसके बाद हम लोग चेक करके दिखा देंगे आपको, एंड दोस्तों सबसे मजे की बात है आप इसको जो है वो वैरी कर पाएंगे लाइक जो आपका मतलब करंट कंजम्पशन हुआ वोल्टेज हुआ वो वैरी कर पाएंगे इजीली। एंड दोस्तों ये वाला देखिए ये वाला है दोस्तों सार्वो मोटर, अगर दोस्तों मैंने सार्वो को दोस्तों गियर मोटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका वीडियो भी मेरे अलग से वीडियो चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो दोस्तों। हाई क्वालिटी का अगर हाई क्वालिटी हाई टॉर्क वाला अगर सार्वो से गियर में कन्वर्शन करना हो तो कैसे करेंगे, ये सब मोटर दोस्तों इजिली आप इससे चला पाएंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा काम करते हो तो ऐसा एक सप्लाई आपके पास होना चाहिए, या फिर आप खुद बनाइए या फिर मुझसे भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। हम लोग पूरा होम डिलीवरी करते हैं एंड दोस्तों 4 to 5 डेज के अंदर आपका जो घर पे हम लोग डिलीवरी कर देंगे इसको, तो ऐसा एक सप्लाई रहना बहुत इजी होता है दोस्तों। अभी देखिए ये वाला है आपका एयर पंप, एयर पंप टेस्ट करने के लिए हम लोग 9 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो 9 वोल्ट पे चेक करेंगे इसको। तो 9 वोल्ट पे देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा इसका करंट कंजम्पशन दिख जाएगा मेरे को, एंड दोस्तों आने वाले वीडियो में दोस्तों टैकोमीटर कैसे बनाना है एंड दोस्तों और भी मोटर का अनबॉक्सिंग उसके बारे में भी और ज़्यादा हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इधर पे। अभी देखिए ये वाला 0.4 एम्प्स के करीब करंट कंजम्पशन हो रहा है इसका, तो चलिए ये वाला आप एक पंप है दोस्तों, ये वाला चीज़ इसका ऊपर वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है चैनल पर दोस्तों, जल्द से जल्द मैं कर दूंगा, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसे कर नहीं पा रहा हूँ इसके ऊपर मगर डेफिनेटली मैं कर दूंगा। तो दोस्तों ये रहा एक आपका 24 वाट का एलईडी 24 वाट का, तो चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं देखते हैं कि कैसा है दोस्तों। मोटर का तो हो गया, अभी एलईडी वगैरह पे टेस्ट करते हैं। तो जस्ट देखिए लाइट देखिए आपका, बस लाइट देखिए कितना वसम लाइट है, ये देखिए 12 वोल्ट पे अराउंड 1.4 एम्प्स के करीब ये करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि दोस्तों शायद आपका वो 15 से 20 वाट नहीं होगा शायद 15 या 16 वाट तक आपका होगा कंजम्पशन, तो ऐसा हो रहा है। अभी देखिए ये वाला जो बड़ा एलईडी का पैनल आता है मतलब इससे आपको घर तर सजा सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन भी डिफाइंड कलर का आता है, ये सब पैनल वगैरह आराम से आप इससे इस सप्ले से चला पाएंगे। एंड दोस्तों ये वाला जो सप्लाई है दोस्तों ये आपका मतलब ऑटोमेटेड टेम्परेचर सेंसर इनबिल्ट है इसमें, तो इसका मतलब कि जैसे दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम पे यूज कर रहे हो एंड अगर सप्लाई का जो टेम्परेचर है लिमिट वो अगर क्रॉस कर जाए तो ऑटोमेटिकली ये सप्लाई आपका ऑफ हो जाएगा एंड दोस्तों करेंट नहीं देगा जब तक कि इसका टेम्परेचर ऑटोमेटेड लो नहीं हो जाता, ये दोस्तों टेम्परेचर मतलब पावर सप्लाई नहीं करेगा दोस्तों, ऑटो कट ऑफ इसके अंदर सर्किट दिया हुआ है। एंड दोस्तों जो आर्डुइनो वगैरह है उसका भी इजीली इससे चला पाएंगे, आर्डुइनो का सभी काम वगैरह कर पाएंगे इजीली, बस 9 वोल्ट पे सेट कर दीजिए या फिर नोड एमसी हुआ था बस 5 वोल्ट पे सेट कर दीजिए, तो इजीली देखिए आर्डुइनो के काम पे तो बहुत ही मदद करेगा ये आप लोगों को। अभी बैटरी चार्जर देखिए जैसे मैंने बोल दिया आपको बैटरी चार्जिंग के लिए इजीली आप एस टाइप का बैटरी चार्ज करवाएंगे 15 वोल्ट पे सेट करके ही कर पाएंगे इजीली, मतलब कि चार्जिंग वगैरह चेकिंग एलईडी चेकिंग मोटर वगैरह 60 वाट तक दोस्तों सभी काम आप इजीली कर पाएंगे, 75 वाट तक इजीली कर पाएंगे दोस्तों इससे।
एंड दोस्तों ये मॉडल का जो साइज है ये थोड़ा बड़ा है, अगर आप 1 एम्पेयर का लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज। एंड दोस्तों साइज में थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा पावर का वैसा। एंड दोस्तों प्राइस में भी सिंपल सा ऐसा रिक्वायरमेंट जैसा होगा ऐसा होगा। अभी देखिए दोस्तों मैं इसको चार्जिंग पे कनेक्ट किया, अभी देखिए करंट जो है देखिए 15 वोल्ट पे सेट किया, 14.4 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है एंड करंट दोस्तों अराउंड 1.6 एम्पीयर ड्रॉ कर रहा है करंट। मैक्सिमम इसका कैपेबिलिटी है दोस्तों 2.5 एम्प्स तक। एंड दोस्तों और एक बार दोस्तों सप्लाई को कभी शॉर्ट मार्ट कीजिए, मतलब कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कभी भी कनेक्ट मार्ट कीजिए तो सप्लाई बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है सप्लाई के अंदर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों, एंड अगर पसंद है जरूर से चैनल को लाइक कर देना एंड दोस्तों सब्सक्राइब कर देना जरूर से। अभी देखिए ये वाला अगर पावर से रेगुलेटर पावर से आपको खरीदना है तो जरूर से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट का लिंक है उसके अंदर से मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग दोस्तों पावर से आप लोगों को बना देंगे इजीली। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हम लोगों के साथ जैसे बने रहिएगा।